वो कमजोर होते हैं जो किस्मत को रोते हैं, उगने वाले पत्थर का सीना फाड़ कर उग जाते हैं। खुश रहना चाहते हो तो उम्मीदें खुद से रखो, दूसरों से नहीं। अपनी प्रतिभा को चमकाओ और उसकी रोशनी से सबको चौंकाओ। अपने आप में विश्वास रखोगे तो सफलता आसानी से मिलेगी। जितना आप दान देते हो उतनी ही आपको खुशियाँ मिलती हैं। अगर आपको बेहतर ज्ञान होगा तो आप बेहतर ही करोगे। तुम कुछ सीखने की चाह तो रखो, जिंदगी हर रोज तुम्हें एक नया सबक सिखाएगी। आशावादी लोग तो उलझी राहों में भी अपनी मंजिल तलाश लेते हैं। कामयाबी इतनी हासिल करो कि लोग तुम्हारी नकल तो कर सकें लेकिन बराबरी कभी नहीं। अभी तो कांच की तरह सबको चुभ रहा हूँ, जब आईना बनूंगा तो दुनिया देखेगी। मेहनत चल रही है, जल्द ही आगे आएंगे। दुनिया आंखें खोलकर देखेगी, ऐसा नाम कमाएंगे। अपने आप को अपने सबसे बड़े डर के आगे झोंक दो, उसके बाद आप आजाद हो। भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि वो बनो जिसके लिए भीड़ जुटी है। अगर मेहनत करते हो तो गलतियां भी होंगी, बेकार लोग तो बस गलतियां ढूंढते हैं। एक बार अगर मेहनत करने की आदत लग जाती है तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मंजिल से मोहब्बत और कामयाबी का नशा रखोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। अपने सपनों को हमेशा पूरा करो, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। अपनी किस्मत और दूसरों को कोसने का कोई फायदा नहीं। सपने आपके हैं तो पूरे भी आपको ही करने हैं। किसी और की मदद से रास्ते तो मिल जाते हैं लेकिन सफर खुद ही तय करना पड़ता है। खुद में लाया छोटा सा बदलाव भी आपकी कामयाबी का कारण बन सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसकी कदर करो। आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं होती। सपने देखना गलत नहीं, कई बार आज का देखा सपना कल की हकीकत बन जाता है। अगर मंजिलों को पाने की चाहत रखते हो तो समंदर पर पत्थरों का पुल बनाने की हिम्मत भी रखो। लहरों से डरोगे तो नैया पार कैसी होगी। मेहनत करते रहोगे तो हार नहीं होगी। चिंता करना अपनी कल्पनाओं का दुरुपयोग करने जैसा ही है। मंजिल को पाना तो बहुत दूर है, गुरूर का चश्मा पहनोगे तो रास्ता भी दिखाई नहीं देगा। अगर खुद को और प्रभावशाली बनाना चाहते हो तब अपने आप को शिक्षित करो। कल ने तो आना ही है, चाहे आप चिंता करो या ना करो। नई शुरुआत हमेशा आपके लिए एक आशा की नई किरण लेकर आती है। अतीत में चाहे कुछ भी हुआ हो, आज नया दिन है, नई शुरुआत करो। समय आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। निर्भर करता है आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो आप नहीं कर सकते उस पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय जो आप कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। आत्मविश्वास बढ़ेगा।